Welcome students, welcome to Maxwell's Study Hub. We have started with your chapter, that is Introduction to Microbiology. Now we have already completed about the dairy products. Now we are going to start with the other applications or other examples of industrial microbiology. Aur usme sabse important hai ek एप्लीकेशन दैट इज़ प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स के बारे में आपने टीवी में भी बहुत सुना है और आई कैन से इट्स अ बज वर्ड जो ना आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ये वर्ड आप इतनी बार सुन चुके हो कि ये क्या है इसके बारे में एक बोलते हैं ना एक जानने के बारे में इसको क्या है इसको समझना इसको जानना आपको चाहिए कि बेसिकली क्या है. इसका थोड़ा बहुत तो आपको पता है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में आपने यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में जाना था तो प्रोबायोटिक्स का थोड़ा बेसिक आइडिया तो है आपको. सो नाउ ये जो वर्ड है प्रोबायोटिक्स ये आपको कहाँ पे ज़्यादा सुनने को मिलता होगा. जो एक सर्कल होता है फॉर एग्जांपल जो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल थिंग अबाउट हेल्दी थिंग्स यू आर गोइंग टू हियर दिस पर्टिकुलर वर्ड रिपीटेटिवली. कमिंग टू द प्रोबायोटिक्स वी ऑल्सो गल्प डाउन ड्रिंक्स विद दी प्रोबायोटिक एक्टिविटी इन दी होप कि हमको भी एक बेटर इम्यून सिस्टम मिलेगा. सो ये सारे बेस आपको प्रोबायोटिक्स के बारे में पता है कि बेटर इम्यूनिटी आएगी हेल्थ अच्छी होगी डाइजेशन का अच्छा होगा और एक और भी लाइन आपने सुनी होगी कि हमारी हेल्थ जो है इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है. ऑल दीज वर्ड्स एक्चुअली मेक्स प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. एंड येस वी शुड नो वॉट इज़ प्रोबायोटिक्स. सो वॉट इज़ प्रोबायोटिक्स. Probiotics are the milk products. Yeah, there are other examples also जो milk product के नहीं बने होंगे but उनके में क्या ऐसा present है जो probiotic की तरह उनकी उनको बनाता है वो भी हम देखेंगे जब उनके examples को हम सीखेंगे. But now, probiotics, these are the milk products which are going to contain active bacteria. Lactobacillus, acidophilus, lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum. These are the active bacteria जो आप इस probiotics जब आप लेते हो consume करते हो आप उनको introduce करते हो अपने intestine अपने पूरे system में. उससे क्या हो जाता है ये जो active bacteria हैं they are going to promote useful bacteria as well as जो आपके harmful bacteria है for example Clostridium उनको पूरी तरीके से नष्ट करना और अच्छे बैक्टीरिया को की ग्रोथ करना. इससे क्या होता है आपका डाइजेशन अच्छा होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है और एक इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है. बट यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि वी ऑल आर थिंकिंग कि नो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए तो ये प्रोबायोटिक का कंजम्पशन है शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली. ऐसा नहीं कि एक दिन में ज़्यादा कंज्यूम किया दूसरे दिन कुछ नहीं फिर तीसरे दिन ऐसे नहीं बिकॉज यू आर डीलिंग विद एक्टिव बैक्टीरिया एंड पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व है जो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेगा. तो ये चेंज जो आप लाओगे सी कंजम्पशन ऑफ प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट और इनकॉर्पोरेशन जो किया आपने प्रोबायोटिक्स का आपकी हेल्थ आपके पूरे डाइट में इट्स नॉट अ बैड आइडिया इट्स अ गुड आइडिया बट इट शुड बी डन ग्रेजुअली एक एक करके एक एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है. सो दिस इज सम प्रिकॉशन आई कैन से वाइल कंज्यूमिंग द प्रोबायोटिक्स. ऐसा नहीं कि आज खाया कल नहीं खाया. सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक दीज माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डेफिनेटली पॉपुलेशन जो अच्छे ऑर्गेनिजम्स की होगी वो बढ़ाएंगे और हार्मफुल वालों को कम कर देंगे. इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग इन द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन द एलिमेंट्री कनाल. येस एलिमेंट्री कनाल इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली एंड सो दैट एट द एंड आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए. नाउ दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. मैंने मिल्क प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया था. अब जो अदर प्रोडक्ट्स आप देखने वाले हैं वो भी प्रोबायोटिक्स हैं और इनमें बहुत खास कुछ चीज़ें हैं जो इनको प्रोबायोटिक्स बनाती हैं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल योगर्ट. वाई योगर्ट इज कमिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ प्रोबायोटिक्स क्योंकि फर्मेंटेशन है फर्मेंटेड प्रोडक्ट है. अगर फर्मेंटेड प्रोडक्ट है तो
जाहिर सी बात है लैक्टोबैसिलस, मैंने क्या बोला, मिल्क का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, मतलब उसमें लैक्टोबैसिलस तुरंत आ गया। जैसे ही लैक्टोबैसिलस आ गया मतलब अच्छे ऑर्गेनिज्म, यूजफुल ऑर्गेनिज्म आ गए और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर दिया गया। कमिंग टू द सेकेंड विच यू ऑल लाइक, दैट इज डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के गुण। आपने ग्रीन टी की जो एड देखी होगी उसमें बार बार एक शब्द सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स। तो ये नाउ यू हैव अ गुड रीजन व्हाई टू ईट डार्क चॉकलेट। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, दैट इज सारक्रॉट। सारक्रॉट इज अ पिकल ऑफ कैबेज, कैबेज का अचार उसको बोलते हैं। कैबेज की क्वालिटी प्लस कैबेज की क्वालिटी के साथ कैबेज में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। कैबेज की एक्टिविटी प्लस फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है ये, बिकॉज इट इज अ पिकल, इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक एक्टिविटी टू दिस प्रोडक्ट। कमिंग टू द सिक्स्थ फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज कैफिर। कैफिर इज अ मिल्क प्रोडक्ट विच इज वेरी सिमिलर टू योगर्ट बट नॉट एग्जैक्टली। कैफिर, आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूँ कि कैफिर मिल्क प्रोडक्ट से सबसे सबसे ज़्यादा ये है, प्रोबायोटिक क्वालिटी उसमें सबसे ज़्यादा है। और कैफिर में जो है प्रोबायोटिक, प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है। अभी कमिंग टू द फोर्थ एग्जाम्पल, कैफिर। कैफिर ऑफर्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक एक्टिविटी पाई जाती है इसमें। इट इज़ ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट, वेरी सिमिलर टू योगर्ट बट थोड़ा डिफरेंट है योगर्ट से। और ये ऐसा नहीं कि मिल्क प्रोडक्ट से ही, मिल्क से ही बनेगा, कोकोनट मिल्क और वाटर से भी बन सकता है। इसकी एक और स्पेशल क्वालिटी है, दैट इज़ लैक्टोज फ्री होना। लैक्टोज फ्री होने के कारण जो लैक्टोज इनटॉलरेंट जो पीपल हैं जो नहीं खा सकते लैक्टोज, वो भी इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं और इसके प्रोबायोटिक एक्टिविटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कमिंग टू दी माइक्रो अलगे, माइक्रो अलगे आर दी ओशन बेस्ड प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल स्पिरुलिना एंड ब्लू ग्रीन अलगे। जो ये है इसमें भी प्रोबायोटिक्स एक्टिविटी पाई जाती है। इट इज़ नॉट रियली फेमस, दैट मच फेमस इन इन इंडिया, बट आउटसाइड इट इज़ वेरी फेमस। नाउ कमिंग टू दी मीसो, मीसो इज अ जापानीज डिश। एक्चुअली इट इज़ अ जापानीज डिश एंड इन जापान दे जापानीज पीपल यूज दिस डिश एज अ मेडिसिन। ये क्या होता है, इट इज़ अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ बीन्स एंड राइस जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है। इट इज़ अ डाइजेस्टिव रेगुलेटर। और मीसो का क्या है कि अगर इसका एक स्पून भी हॉट वाटर में डाला जाए तो बहुत अच्छा एक सूप बना सकते हैं, या बहुत साइड एक सीजनल डिश बनाने के लिए भी मीसो को यूज़ किया जाता है। कमिंग टू द पिकल, पिकल्स तो आप सबको पता है अचार, अगेन फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और सॉल्ट है, वाटर की है, तो ये सब एक मिल करके प्रोबायोटिक्स करते हैं एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल बैक्टीरिया। कमिंग टू द चीज़, अगेन फर्मेंटेड प्रोडक्ट, मिल प्रोडक्ट, लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस, तो चीज़ भी क्या हो गया, प्रोबायोटिक्स। नाउ these two examples I have not, it is not given in your textbook, but I have taken because both these products are fermented product. One is a South Indian cuisine and the another is coming from Gujarat. Dhokla kya hai, बेसन, ग्राम फ्लावर का क्या है, फर्मेंटेड करके इसका ये जो प्रोडक्ट बनता है। तो ढोकला ऑल्सो कम इन टू, इट हैज़ द प्रोबायोटिक क्वालिटी। एंड कमिंग टू द इडली डोसा, साउथ इंडियन कुजिन, अगेन फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ राइस का, उड़द की दाल का, सो अगेन इट हैज़ अ प्रोबायोटिक एक्टिविटी। सो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स, एंड अगेन ऐसा नहीं है कि प्रोबायोटिक्स खाने के लिए बहुत आपको ब्रांडेड चीज़ें खाने की ज़रूरत है। इट इज़ अवेलेबल इन योर किचन ऑल्सो, एंड येस बटर मिल्क, दही, चीज़, मक्खन, ये सब एक टाइप के क्या हैं, प्रोडक्ट प्रोबायोटिक्स के। नाउ
लेट्स मूव अहेड. या ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है. सोया मिल्क एंड एट द एंड कॉम्बुचा टी. इट इज़ नॉट फेमस इन इंडिया बट साउथ के साइड थोड़ा सा फेमस है. कॉम्बुचा टी में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है स्वीट ब्लैक टी का विद द ईस्ट एंड ईस्ट और बैक्टीरियल कल्चर के साथ फर्मेंटेड प्रोडक्ट करके ऐसी एक टी बनाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल एज अ प्रोबायोटिक्स. सो दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. नाउ व्हाई प्रोबायोटिक्स? These products from the colonies of useful microbes in the alimentary canal and control other microbes and their metabolic activities. उनकी metabolic activity मतलब harmful bacteria की activity को रोक देना. Improve resistance. जाहिर सी बात है जो harmful bacteria हैं उनके लिए उनको strictly ना बोलना. Lower the ill effects of harmful substance formed during the metabolic activities. जब आपके सिस्टम में harmful bacteria growth हुए हों अगर उन्होंने metabolic activity की हो तो आप आगे चलकर बीमार पड़ सकते हो. तो अब जो ये बीमार पड़ना उसकी metabolic इन सब को रोकने के लिए probiotics का एक इकलौता बहुत अच्छा रोल है. Just destroy them. Now, useful microbes जो होते they becomes inactive due to the antibiotics. Definitely, जब antibiotics या इसका consumption होता है आपके दवाइयों का मतलब बीमारी के time पे जब आप consume करते हो बहुत सारी दवा बहुत सारे antibiotics तो आपके useful microbes क्या हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं. तो जब प्रोबायोटिक्स के में को कंज्यूम करते हो तो देन दे अगेन कम रिटर्न बैक टू दी एक्टिव स्टेज. सो दिस इज अबाउट द प्रोबायोटिक्स. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेड. तो फर्स्ट हमने जब डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, होप यू ऑल रिमेंबर, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमने चालू किया था चीज़ पढ़ा था, बटर पढ़ा था, योगर्ट पढ़ा था. इन तीनों में चीज़ और योगर्ट हमने डीप में पढ़ा था. फिर हमने आज प्रोबायोटिक्स सीखा. अब अनदर दैट इज़ फिफ्थ एग्जाम्पल, दैट इज़ ब्रेड. ब्रेड के बारे में ऑलरेडी पता है और नाइन्थ की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि वो डो राइज क्यों हो रहा है. ये सबका रीज़न आपको कहीं ना कहीं पता है. इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे होता है वो देखते हैं. डो इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ बेकर्स ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी वाटर सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल विद दी फ्लावर. तो वो जो आटा रहेगा, अभी आटा भी ब्रेड का भी व्हीट ब्रेड भी आता है, राइस का भी डिफरेंट सीरियल्स के आते हैं. सो डिपेंड करता है वो ब्रेड को कैसे बनाना है, बट वो एक चीज़ कॉमन है कि वो फ्लावर के साथ दिस ईस्ट दैट इज बेकर्स ईस्ट वाटर और सॉल्ट तो जाएगा. अब आगे क्या होगा, ये डो को क्या किया जाएगा, डो बना के रखेंगे और क्या होगा, ईस्ट क्या करता है बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा, मैंने फर्मेंटेशन बताया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट दैट वाज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, इथेनॉल CO2 मिलता है और ATP मिलती है. तो ये जो ईस्ट है उस अभी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट. तो ये ईस्ट क्या करेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे अपनी ग्रोथ के लिए. और जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये इथेनॉल और CO2 बनेगा. जैसे ही CO2 ये बनाते हैं अब ईस्ट, ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल. डो राइजेस क्योंकि उसमें क्या है, CO2 प्रेजेंट है. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कीप दैट ब्रेड का जो वो पूरा है उसको जब ओवन में रखते हो तो CO2 निकल जाता है. तो क्या होता है, ब्रेड में पोरस स्ट्रक्चर आता है और वो जो डो था वो थोड़ा स्पॉन्जी है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. शुगर ईस्ट में है, उसने अल्कोहल बनाया और CO2. ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है ब्रेड में. नाउ आगे बढ़ें थोड़ा.
कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूजफुल इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री. इट इज अवेलेबल इन ड्राई ग्रैनुलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज. हम जो पैकेट लेके आते हैं हमारे पास ग्रैनुल्स फॉर्म में आता है. ये कुछ ऐसा है, गिवन यू द पिक्चर ऑल्सो इन दिस स्लाइड. ईस्ट प्रोड्यूस फॉर द कमर्शियल यूज कंटेन्स वेरियस. अभी क्या हुआ, जो डोमेस्टिक यूज के लिए बनाया उसमें इतना कुछ नहीं है, पर जो कमर्शियल यूज जो इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं ना बच्चों, उसमें ईस्ट प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल यूज कंटेन्स वेरियस यूजफुल. उसमें और भी एडिशन डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसमें ये सब डाल देते हैं ताकि जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो ब्रेड बनेगा, वो किस माँ वो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन में भी भरपूर होगा. मतलब उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है. ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव. जो भी आगे चल के ब्रेड, केक या कुछ में भी, जहाँ पर भी ईस्ट जाएगा, जो कि ऑलरेडी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को डाला गया है, इनसे जो प्रोडक्ट आएंगे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. नाउ दिस इज अबाउट द ब्रेड. लेट्स स्टार्ट विद द विनेगर प्रोडक्शन. विनेगर प्रोडक्शन में क्या है, विनेगर इज अ एक्चुअली इट वॉज अ फ्रेंच वर्ड, उसका मतलब ही था विनाइग्री, मीन्स सार वाइन. वाइन प्रोडक्शन में क्या हुआ था, शैंपेन का प्रोडक्शन मैंने बताया था. शैंपेन में क्या कर रहे थे, बॉटल को ढकना और ग्रेप्स, ग्रेप नाइन्थ क्लास में आपने ग्रेप्स देखे थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया था, अल्कोहल बनाया था. मतलब वो जो शुगर मॉलिक्यूल था, मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट था, उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के आप अल्कोहल बना रहे थे, हाँ या ना, ये आपको पता है. बट विनेगर प्रोडक्शन उसका एक स्टेप आगे है. अब ये जो अल्कोहल है जो प्रोड्यूस हुआ है शुगर मॉलिक्यूल के एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा यूजिंग ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही यूज किया था ना, उसमें क्या किया, पहले अल्कोहल से पहले कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा के अल्कोहल बना दिया. उसके बाद अल्कोहल ये जो बना है उसमें क्या करवा दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. मतलब इस अल्कोहल को और डिग्रेड किया, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन किया और उससे प्रोडक्ट मिलता है एसिटिक एसिड. होल्ड ऑन, डोंट गेट कन्फ्यूज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वेल. इट इज प्रिपेयर्ड बाय अलाउविंग अ वाइन टू गो सार कंडीशन, सार अंडर द कंट्रोल कंडीशन. मतलब वाइन के भी एक स्टेप आगे और बढ़ना है तो क्या मिल जाएगा, विनेगर. नाउ वॉट एक्स, अब विनेगर कैसे बनता है. फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट है उसमें ईस्ट डाल के पहले क्या बनवा लिया, अल्कोहल. अब ये जो अब मैंने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बोला, इट कैन बी अ फ्रूट जूस, आपने लास्ट टाइम मोलासेस का यूज़ करके बनाया था, शुगर केन जूस का बोला था, आप नासिक का आपने एग्जाम्पल देखा था ग्रेप्स के लिए. तो ये ऑल डिपेंड कि कार्बोहाइड्रेट या वो का सोर्स क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का, कौन से क्वालिटी का आपका विनेगर है. बट टाइप का, एक्चुअली टाइप का विनेगर है तो विनेगर में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, मतलब जूस का कोई भी सोर्स हो सकता है. अब उसमें ईस्ट डाल देंगे तो क्या पहले बन जाएगा, अल्कोहल. और वही अल्कोहल को फिर से ऑक्सीडेशन करवा के हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, विनेगर. और यही विनेगर को बाद में और भी प्रोसेस है जिससे हमें विनेगर मिलेगा. इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूसेस, शुगर मोलासेस, स्टार्च ऑफ द रूट्स विद द हेल्प. मतलब ये जो सोर्स है वो कोई भी रह सकता है, मैपल सिरप, ये अलग है. मतलब फ्रूट जूस डिपेंड करता है कि वो कंपनी कौन सा, कौन से कार्बोहाइड्रेट को बना के, मतलब बोलते हैं ना एप्पल जूस का है, इसका है. सो इट ऑल डिपेंड्स कंपनी ऑन कंपनी कि वो कौन सा बनाएंगे. बट द बेसिक प्रोसीजर रिमेन्स द सेम कि उसमें क्या डालेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. मतलब ईस्ट डाल दिया तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो अल्कोहल मिल गया.
मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, उसके बाद सेकेंड स्टेप मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकैनोबैक्टर इज मिक्सड विद दैट इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. मैंने क्या बोला, सारनेस को बढ़ाते जाना है. एसिटिक एसिड अंडर एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन थ्रू इट. तो एसिटिक एसिड के साथ और भी कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे. 5% विनेगर इज 5% एसिटिक एसिड. नाउ कमिंग टू दिस लास्ट स्लाइड ऑफ टूडेज प्रेजेंटेशन, कि एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय रेयरफैक्शन. रेयरफैक्शन मतलब अगर आपको बहुत सिंपली मैं समझाऊं, केमिस्ट्री में आपने एक चीज सीखी होगी डेंसिटी. अगर डेंसिटी भी नहीं समझ रही है तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से उसकी क्वांटिटी, मास. हर लिक्विड का, हर सॉल्वेंट का एक डेंसिटी है प्रॉपर, ग्राम पर, मतलब उसकी एक डेंसिटी होती है कितने ml में कितने ग्राम, ऐसा कुछ. एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जो अभी आप मत जाओ. इसमें क्या होते हैं रेयरफैक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ दीज बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि एसिटिक एसिड के साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिले, तो डिपेंडिंग अपॉन उनकी डेंसिटी उनको सेपरेट कर लिया जाता है. एसिडिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अब एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में क्या यूज़ किया था, आपने डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस यूज़ किए होंगे. अब ये सब कुछ फर्मेंटेशन हुआ तो क्या होगा, जो ये जो अभी विनेगर आपको प्रोड्यूस हुआ, मतलब एसिटिक एसिड को आपने उसके बाय प्रोडक्ट से डेंसिटी के अनुसार को रखकर जब उसको आप बाहर लेके आए, तो वो थोड़ा उसमें क्या होगा, वो कलर होगा उसको. अब उस कलर को ब्लीचिंग कर दी जाएगी तो ताकि विनेगर कैसा मिले, कलरलेस मिले. तो अब क्या होगा, ब्लीचिंग से क्या होगा, कलरलेस मिलेगा. एंड एट द एंड फाइनली बिफोर बॉटलिंग, बॉटल में भरने से पहले SO2 गैस को मिक्स किया जाता है विनेगर से. ये SO2 गैस इसलिए मिक्स की जाती है ताकि जो इफेक्टिवनेस है आपके विनेगर की वो बरकरार रहे उसके स्टोरेज पीरियड तक, मतलब जब तक उसको यूज किया जाए. सो दीज आर द 3 steps. लेट्स जस्ट रिवाइज कि विनेगर प्रोडक्शन में क्या हुआ. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब फ्रूट जूस लिया, ईस्ट डाला और क्या बना लिया, इथेनॉल. अब ये अल्कोहल को इट विल बी अलाउड फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. 2 और बैक्टीरिया डाले इसमें. अब अल्कोहल क्या हो गया, डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ा. अब मिला क्या, एसिटिक एसिड प्लस बाय प्रोडक्ट्स मिले, बहुत कुछ मिला है. तो उसको अभी मुझे किससे मतलब है, मुझे सिर्फ एसिटिक एसिड से मतलब है. तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, रेयरफैक्शन मतलब उनकी डेंसिटी के हिसाब से उनको सेपरेट कर लूँगी. उसके बाद ब्लीचिंग कर लूँगी. ब्लीचिंग किससे कर दूँगी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, ताकि कलरलेस हो जाए जो कलर, उसको एक जो पर्टिकुलर जो कलर है वो आ जाए. एंड देन SO2 बॉटल में भरने से पहले SO2 डाल दूंगी. एक प्रिजर्वेटिव है, एक इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए विनेगर के SO2 को मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो दिस इज अबाउट द विनेगर प्रोडक्शन. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 3 more एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट इज प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे. फिर हमने कंप्लीट किया ब्रेड का. ब्रेड का आपको ऑलरेडी पता था, विनेगर प्रोडक्शन. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द अदर एग्जांपल्स फॉर आई कैन से माइक्रोबियल एंजाइम्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में कैसे माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है. टिल देन यू रिवाइज ऑल दीज स्मॉल टॉपिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम डेयरी. एंड अभी जब विनेगर प्रोडक्शन पे रुके हैं, नेक्स्ट वीडियो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. थैंक यू.